शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इन द बुक ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग द वर्ल्ड ऑफ विजडम वॉल्यूम 9 हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे रुबे के अंदर ज़िंदगी के असूल जवाबत और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों के साथ कैसे सलूक करना है और हमारी ज़िंदगी में जो है आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने कैसे अडॉप्ट करना है और हमारी मुश्किलात कैसे हल हो सकती हैं और मुश्किलात क्या होती हैं और जो है वो मुश्किलात में जो भी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं क्या हमें दूसरों से उनको बयान करना चाहिए, क्या अल्लाह से हमें उसका शिकवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों से अल्लाह का शिकवा करते हैं तो क्या हम मुसलमान हैं। तो ये आज की रूबिक का जो है असल मफहूम है, तो जिसको समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन हमारे लिए सबब भी पैदा करते हैं, हमारे लिए बेहतरीन जानते भी हैं और अल्लाह ताला हमारे बेहतरीन जो है वो खालिक मालिक और मसबूबुल सबाब है। तो अल्लाह ताला जो है वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें सबर शुक्र के साथ जो है जब अल्लाह ताला कोई चीज़ ले लेता है हमसे तो उसमें जो है हमें सबर शुक्र करना चाहिए। तो जब अल्लाह ताला देता है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तो देने से जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और लेने के बाद जो है वो हमें सबर का जो है वो दर्स दिया गया है। तो हमें जो है वो अपना मुश्किलात के अंदर जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारी जितनी भी जो मुश्किलात जो हमारी अपनी पैदा की हुई होती है, हमारे जो है जहन से, हमारे जिस्म से, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन से, हमारे माशरती चीज़ों से और हमारी जो रूहानी चीज़ों से जो है वो हम ऐसी मुश्किलात क्रिएट कर लेते हैं। गलती इंसान से होती है, इंसान गलती का पुतला है। असल में इंसान बंदगी जो है वो इंसानियत यही है कि वो गलती जो है वो करता है और फिर उसको दुरुस्ती की तरफ ले जाता है। जब इंसान को पता नहीं होता कि इसमें करंट है तो उस चीज़ को हाथ लगा लेता है, तो जब उसको अंदाज़ा हो जाता है तो दोबारा वो गलती नहीं करता जब उसको करंट पड़ता है। तो यही ज़िंदगी का असूल है। तो हमें जो है मतलब कि पत्थर को चाट के वापस नहीं आना चाहिए, बल्कि जो है पत्थर को जो है महसूस कर लेना चाहिए कि ये पत्थर है हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसको जो है हम ना अडॉप्ट करें, उसको जेब में ना डालें, उसको जो है वो जेब हमारी भारी हो जाएगी तो फिर हमें जो कभी भी वो पत्थर जो है जब जेब में होगा तो वो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकेगा, दिल को नुकसान पहुंचा सकेगा, पसलियों को नुकसान पहुंचा सकेगा। अगर जो है वो नीचे वाली जेब में होगा तो हमारे जो है वो टेस्टिकल ग्लैंड को और जो है पीनिस वगैरह को नुकसान पहुँचा देगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो हमेशा कोशिश करें कि हम जब शिकवा अल्लाह ताला से जो है वो ना करें, तो किसी से भी शिकवा अपना जो परेशानी है उसको बयान ना करें बल्कि बर्दाश्त करें। और अपना कमीज उठाने से अपना ही पेट जो है वो नंगा होता है, ये एक मुहावरा है। तो आज की जो रूबिक है, एज द लाइफ इज अबंडेंट इन द लाइफ, लाइफ की जो जरूरियात होती है, जिंदगी की जरूरियात होती है वो जो है वो क्या होती है, डैट एज नॉट बाउंडेड, वो जो है वो बाउंडेड नहीं है कि लाइफ की जरूरियात हम खुद जो है वो उसका तयन कर लेते हैं। देखिए कभी जो है मेरी तनख्वाह 2380 रुपये हुआ करती थी जब मैंने स्टार्ट की सर्विस, तो 2380 रुपये से मैंने स्टार्ट की, मैं 3300 रुपये लेता था जामिया तिब्बी इस्लामिया से और रोजाना में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो उस वक्त जो है ये मैं 2380 रुपये में बेहतरीन मेरा गुजर होता था। तो आज मैं जो है वो 1.5 लाख रुपया भी ले रहा हूँ तो वो बिल्कुल जो है वो उसमें बरकत नहीं है, उसमें जो है वो चीज़ें नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ये सारा कुछ जो है वो चला रहा है, कोई तो है जो निसामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो अल्लाह ताला की ये सारी इनायत है और अल्लाह ताला की ये सारा करम है। बाउंड टू एनी, तो इसलिए जो है वो किसी डिसिप्लिन में, किसी भी जो है वो जगह पे नज्म व जब्त में जो है इसकी पाबंदी नहीं है। आप जो है वो दाल खा के भी गुजारा कर सकते हैं और जो है मुर्गा खा के भी गुजारा कर सकते हैं, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मुर्गा खाना है या दाल खानी है।
तो एक जो है हल्की होटल से भी हम खाना खा के पेट भर सकते, खाली तो दो रोटी है ना, तो अच्छे होटल से जाके भी हम खा के जो है वो 4,000 5,000 का बिल जो है बना के भी हम जो है वही दो रोटियां खाते हैं। तो सिर्फ जो है वो अपने डिजायर को, अपनी जरूरियात को समझने की बात है, काम जितनी मर्जी बढ़ा लें और जितनी मर्जी कम कर लें, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है, किसी डिसिप्लिन में ऐसी बात नहीं है। तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या हमें जो है वो अल्लाह से शिकवा करना चाहिए? नहीं, हमारी अपनी गलतियां हैं कि हम जो है वो अच्छे कपड़े पहन के जमीन पे अकड़ के चलते हैं जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो जब आप चादर के मुताबिक पांव फैलाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ही नहीं आते। तो जिसमें जो है वो एंड डेट इज व्हाट इज दी कैन नॉट बी डिस्क्लोज, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। जो डिजायर हमारी होती है तो हम बढ़ा लेते हैं अपने डिजायर को, हमारी ख्वाहिशात जो है ना जिंदगी की वो इस कदर है लामहदूद है, और हमारी जरूरियात लामहदूद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो है वो हर घर में ये प्रॉब्लम जो है चलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो लोग जो है वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं और अल्लाह की दी हुई दौलत को मुनासिब अंदाज में खर्च करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह ताला ने दिया है, तो उस घर में जो है वो रौनकें और फरावानी होती है। तो जिस घर में ये चीजें नहीं होती तो उस घर में बरकत ही खत्म हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जाइए अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको डिस्क्लोज कर लें। देखिए, पहले टीवी नहीं होता था तो टीवी के बगैर हम चलते थे, लाइट नहीं होती तो हम जाइए दीवा जला के और ये लालटेन जला के गुजारा करते थे, तो ये मोबाइल नहीं होता था तो हम जो है मोबाइल के बगैर गुजारा करते थे। तो ये जो है जैसे जमाने तरक्की के हमारी ख्वाहिशात और जाइए जितने भी जो है वो अखराजात बढ़ते गए, तो ये हमारी जो है वो बेशक तनख्वाह में भी हजारों फीसद जो है इजाफा हुआ, कहाँ 2300 और कहाँ जो है 1.5 लाख, तो हजारों फीसद जो है इजाफा हुआ, लेकिन साथ साथ हमारी जो है ये तमाम अल्लाह ताला ने देखे इतनी बड़ी कोठी मुझे दी है, मुझे जो है वो 1.5 2 कलान की मेरे पास कोठी है, और ये सारा कुछ अल्लाह ताला का देन है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इतनी फैसिलिटीज दी गई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो शिकवे और ये चीजें जो है वो ऐसी चीजें हैं, एंड दिस इज सुपीरियर टू एवरी लाइफ, तो ये वाली जो है वो हमारी जिंदगी से जो है वो हमेशा हर जिंदगी से जो है वो ऊपर है, कि हमारी ख्वाहिशें हमारी जो है वो चीजें जो है जिसको हम सोचते हैं समझते हैं बिना वजह ऐसे ही खर्च कर देते हैं। मतलब कि जो है अब गाड़ी ठीक है मेरे पास जो है वो, तो मैं अब कार ले लूं, कार का पेट्रोल भी तो खर्च करना है ना भाई, तो उसकी हम डिजायर तो हमारी बहुत ज्यादा है हमेशा। मैं भी मतलब कि जो हम आप देखा कि मैंने जो है मेरे डीएमएस के पास या एमएस के पास जो है 4 गाड़ियां हैं, तो मैं भी एक बड़ी सी गाड़ी लेके जो है वो भी घूमू, तो ये तो मेरी अपनी जो उसकी अपनी अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है और मुझे जो है वो अल्लाह ने अपना दिया हुआ, तो हर बंदे में डिफरेंस है ये, तो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से जो डिफरेंशिएट किया हुआ हमें जो है वो एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हमारे जो है वो वहां पे हमें रखा हुआ जहाँ पे हमें जरूरत है, जितनी जरूरत है अल्लाह ताला हमेशा उतनी हमारी जरूरियात को पूरा कर देते हैं। हम कभी भूखे नहीं सोते, इस बात को सब दोस्त जो है वो सोचें, ये कभी आप भूखे सोए हैं? कितनी जिंदगी गुजर गई है मेरी जो है वो 60 साल उम्र हो चुकी है, तो अल्लाह का शुक्र है आज तक मैं भूखा नहीं सोया हूँ। अल्लाह ताला जो है वो कीड़े को जो बीज जो है वो मट्टी के अंदर पत्थर के अंदर रिज़्क देता है, ये तो अल्लाह ताला की देन है। तो इसलिए जो है वो क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह से शिकवा नहीं करना चाहिए हमेशा। तो हमारी जिंदगी के अंदर ये जितनी भी ख्वाहिशें हैं इनको जो है सुपीरियर से सुपीरियर नहीं जाना चाहिए, बल्कि नीचे की तरफ देखना चाहिए। सुपेरिटी जो है वो हमारे हमें ले डूबती है, और इन्फेरिटी जो है वो हमें तरक्की की तरफ जाए वो राह की तरफ जाए वो गामजन करती है, और हमें जो है वो मिडिल क्लास की तरफ जाए डिसिप्लिन की तरफ हमें ले जाती है, तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने में जो है वो हमारी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करती है। तो आखिरी लाइन, टू बी फ्री फ्रॉम एनी वरी, कि हम किसी भी परेशानी से जब ये सारी परेशानियां हमारी अपनी क्रिएट की हुई है कि मैं अच्छा सूट पहनूं, मैं अच्छी जूता पहनूं, अच्छी गाड़ी पे जाऊं, अच्छी जगह पे रहूं और अच्छा खाना खाऊं, और इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं ये सारी जो है वो हमारी अपनी क्रिएट की हुई है। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो ऐसी ख्वाहिशात को, ऐसी परेशानियों को, ऐसी वरी को पैदा ही ना करें अपने दिल में।
कि मैंने उसके मुकाबला करना है। अब मैं डॉक्टर साहब का मुकाबला तो नहीं कर सकता और इसी तरीके से मैं किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी अपनी डिजायर, मेरी अपनी ख्वाहिशात, मेरी अपनी जो है लाइफ स्टाइल, मेरी अपनी जो है सब कुछ है, तो उसमें जो है डॉक्टर साहब की अपनी है। तो अब मैं कहूँ कि मैंने डॉक्टर साहब जैसा सूट पहन के जाओ जाना है और वो ही काम करने जो डॉक्टर साहब करते हैं, तो ये नामुमकिन बात है। तो इसलिए जो है मुझे अपनी जो है वो अपनी जगह को बताइए जो अल्लाह ने मेरी की हुई है, उस पर जो है वो सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए कि या इलाही तूने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है और भी जो है वो मैं इसकी जो है वो ख्वाहिश तो करूँगा लेकिन परेशानी नहीं लूंगा, कि जो अल्लाह ने दिया है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें और परेशानियाँ ना लें और परेशानी ना करें। ऑफ द लाइफ इज द की ऑफ द लाइफ, ये जिंदगी की एक चाबी है जिसको आप अपना लें कि आपने जिंदगी के अंदर कभी परेशान नहीं होना, खास तौर पे रिश्क के बारे में कभी परेशान नहीं होना। तो जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है उसके बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। अगर आप ज़कात देंगे, हज अदा करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क में इजाफा कर देगा। कभी बहुत दौर था कि मैं अपने क्लिनिक से जो है वो नोटों के थैले भर के लेके जाया करता था, तो शुक्र अल्लाह का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने अभी भी मुझे जो है वो बहुत सी जो है वो नियमतों से नवाजा हुआ है, मैं अल्लाह ताला की जो है वो नियमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त और भाई भी हैं जो कभी भी अल्लाह ताला के शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो ये जो है वो अल्लाह ताला की देन और गॉड्स ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हम जो है वो जिंदगी को कामयाबी या नाकामी के अंदर जो है वो, तो जब भी हम जो है वो कुछ शिकवा करते हैं अल्लाह ताला से कि यार मेरे पास जो है वो अच्छी कार नहीं है, मेरे पास जो है वो फला चीज नहीं है, तो अल्लाह ताला मजीद नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क से बरकत छीन लेते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखे वहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह जो है वो ले के भी आजमाता है और दे के भी आजमाता है, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में जो है वो इजाफा फरमाएंगे और आपको जो है इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क अदा करेंगे। अगर आप जो सही रास्ते पर चलेंगे तो और आपकी नीयत साफ होगी, इन्नमल अमाल बिन्नियात, तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो हमेशा अपनी नीयत को साफ रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको किसी भी दोस्त को आज तक भूखा नहीं सलाया, तो अल्लाह ताला हमें जो है वो नवाजता है, किसी तरीके से नवाज देता है, कभी जो है वो दे के जमाता है और कभी ले के जमाता है। तो अल्लाह के दरबार में शिकवा करना जो है वो, वरी करना जो है वो गलत बात है। तो ये जिंदगी की चाबी है, इसको अपना लें कि हमने जो है वो जो अल्लाह की दी हुई नियमतें हैं उसका शुक्र अदा करना है, और हमेशा जो है कोई इसी ऐसे मामलात के ऊपर जो है वो कभी भी जो है फिक्रमंद नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना। ये जिंदगी के बेहतरीन जो है वो जिंद है कि अल्लाह ताला जो है वो बीमारी दे के भी जो है हमें आजमाता है और हमें शफा दे के भी आजमाता है। तो ये सब कुछ जो है वो जिंदगी के अंदर चलता है। तो बीमारी की हालत में भी कभी अल्लाह का नाशुक्री ना करें। अल्लाह ताला जो है वो आपके गुनाहों को जो झाड़ रहा है, खत्म कर रहा है जो आपने जिंदगी में किए हैं। तो हमारी अपनी कुताहियां, हमारी अपनी जो है होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा जो दिल के बारे में मजीद जो है वो जानते हैं। तो मैं आज जो है ये पढ़ रहा था जब बुक, तो मुझे आपको पता है कि मैं अंग्रेजी दवाइयों के जो है वो मुतलक जो है वो इतना ज्यादा जो है वो शौक नहीं रखता हूँ, और मुझे जो है वो मैंने बेशक जो है वो फार्मेसी पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है, लेकिन फिर भी जो है मेरे जो है वो अद्वियात के ऊपर, जो अंग्रेजी अद्वियात के ऊपर स्पेशली जो है वो हमेशा जो है उसकी तनकीदी नज़र ही रही है, क्योंकि मैं हर्बल मेडिसिन को पसंद करता हूँ, हर्बलिस्ट हूँ और हर्बल से जो है वो काम मरीजों को शफा देने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए जो है वो हमेशा जो है, जब मैं अभी पढ़ रहा था तो वह आपको बताऊँगा कि हमारी अंग्रेजी अद्वियात जो है वो हमें हमारे जो है वो कैसे बीमारी पैदा करती है, और हम जो खुद बीमारी को लेके आते हैं हमारे बच्चों के अंदर। हम आज हम बच्चों की कुछ जो है वो डिफॉर्मेलिटीज और बच्चों की हार्ट डिजीज के बारे में जानेंगे और बच्चों के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले जो है वो कार्डिक एंजाइम को जो है वो हम थोड़ा सा कार्डिक प्रोफाइल को हम डिस्कस कर लेते हैं जी। कार्डिक प्रोफाइल के अंदर जो है वो क्या होता है और कार्डिक प्रोफाइल क्या होती है कि हम इसके मतलब जो है वो सब, तो आपको बताया कि मसल जो है सबसे मजबूत मसल जो है वो कार्डिक के हैं, यानी कि दिल के मसल जो है वो
सबसे अल्लाह ने मजबूत बनाए हैं। मायोकार्डिक इसको कहते हैं जी, मतलब जो है वो दिल के साहब को, जो पट्ठों को जो है वो मायोकार्डियम कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो ये अल्लाह ताला ने बेहतरीन जो है वो पट्ठे बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम जो है कार्डिक एंजाइम या कार्डिक प्रोफाइल कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू को हम जान लेते हैं। उसके बाद जो है बच्चों की बीमारियां और ये कैसे पैदा होती है, जब मैंने इसको पढ़ा कि ये जो है वो हमारे भाई जो दवाइयां देते हैं ना, जो मेडिकल रैब उनको बताते हैं और बहनें दवाइयां देती हैं, उस वजह से भी जो है ये बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, दिल की बीमारियां, तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। तो बाद में जिक्र करते हैं जी, कार्डिक एंजाइम जो है वो AST, ये याद रखे, GOT भी इसको कहते हैं, ये एक एंजाइम है जी दिल का। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 36 यूनिट जो है वो पर लीटर होती है, यानी कि 36 यूनिट जो है वो अपटू होती है, यहाँ तक जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो आप जो है जब CPK करवा लें या मतलब कार्डिक एंजाइम जो है वो करवा लें, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये वाला जो है ये किस वैल्यू के अंदर जो है मौजूद है। तो आप जो है वो हमेशा टेस्ट करवाने के बाद जाइए और ECG करवा लें, EEG करवा लें और साथ इको करवा लें, और जो है वो आगे चल के जो भी मतलब उसको प्रॉब्लम हो, तो ये जो है वो विजोमीटर से आप इसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से उंगली लगा के, और इसी तरह हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनकी मिरास है हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स की, ये हमारी भी मिरास है। तो हम इसको जो है वो सब जानते हैं और इसको जो चेक भी करवा सकते हैं, और इसके बारे में जो है वो जानते भी हैं और इसको जो है वो अपनाते भी हैं, और इसको जो है वो अपने मरीजों पर आजमाते भी हैं, और इससे मरीजों को शफाए कामला भी अता करवाने की कोशिश करते हैं। हमारी दवाइयाँ पेटेंट है उनकी तरह जो है वो मुस्तकिली लगा देते हैं कि आपने अब ये मसला हो गया है। जैसे कल हमने बात की हकीम सईद साहब ने अपना इलाज खुद किया, कैसे किया, मर्जे से किया, वो हमें सुस्ती डालते हैं, हमारे बलगम को और ज्यादा कर देते हैं, सुस्ती डाल के जो है हमारे दिल को और जो है वो कमजोर कर देते हैं। तो कल मैंने ECP की बात की थी, तो वो भी जो है वो बिल्कुल ऐसी मशीन है। अल्लाह ताला ने कोई मामूली चीजें नहीं बनाई, ये जो समझते पता नहीं अल्लाह ताला ने जो है वो हम इनको निकाल दे बाहर, इसको चेंज कर दे, बाईपास कर दे, ये कर दे, तो ये छोटी छोटी जो है ये चीजें अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। अल्लाह ताला की बेहतरीन खलक कर इंसान अपनी अक्सल तकवीम, कि जब मैं बेहतरीन मोमेंट क्रिएशन के मोमेंट था उस वक्त इंसान को बनाया, और कार्डिक जो है वो जो बेहतरीन जो है वो चीज है जिसकी वजह से जो है वो बेहतरीन निजाम जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया। तो कार्डिक जो है CCP जो अभी ECP जो है वो उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये चाइना की बनाई हुई मशीन है। तो बचपन में जो है वो हम अपने वालदैन से जो है, मेरी वालदा जो है वो हमेशा मुझे जो है वो रोजाना अपने हाथों से जो है मालिश किया करते, तेल की मालिश, खास तौर पर टांगों की और ये पिंडलियों की मेरी मालिश किया करती थी, जिसकी वजह से जो है वो मैं आज तक अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद हूं। मैं खुद मालिश कर लेता हूँ, तो जिसकी वजह से जो है सेहत जो है वो अल्लाह ने बरकरार रखी हुई है। तो इस तरीका से जो है ये मालिश करना जो है बेहतरीन तरीका है, जो हमारे ये भाई जानते ही नहीं है। तो इस तरीका से जो ECP जो मशीन है वो प्रेशर पैदा करती है। अल्लाह ताला ने, मैं वो दूसरी तरफ चला गया हूँ सॉरी, तो कॉन्जेनिटल जो है वो हमने हार्ट डिजीज पढ़नी थी, तो उसके बारे में अभी टाइम हमारे पास काफी है, तो उसको हम जान लेंगे। तो वो मशीन जो है उसको ECP जो कहते हैं, तो मशीन हमारे जो है मसल को, हमारे टांगों के मसल के ऊपर हवा भरती है, हमारे बाजों के ऊपर हवा भरती है। मशीन को 4-5 जगह पे लगाया जाता है, उसके साथ मीटर लगा होता है। तो ये फैसलाबाद में 1-2 जगह पे अवेलेबल है, मैंने खुद उसको जो है वो चाइना में देखा है, और उसके बाद जो ये श्रीलंका में इस मशीन को देखा, और यहाँ पे जो मैं उसकी जो है ये वीडियो, ये जो हमारे पास होता है यूट्यूब, वहां पे देखी है। तो इस तरीके से वो कैसे काम करती है, मैं जो है वो लाहौर में भी सुना है कि अब वहां पे जो अवेलेबल है, मेरे एक दोस्त वहां पे गए थे, उन्होंने भी जो है वो उसको उससे फायदा उठाया है। तो फैसलाबाद में भी 1-2 डॉक्टरों के पास वो मशीन है। तो इस तरीके से जो है ये जरूरी नहीं कि वो मेडिकल ग्रेजुएट हो, वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है वो हजामा थेरापी और ये वाले जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट भाई भी, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि मेडिकल ग्रेजुएट ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारे हर्बल मेडिसिन वाले जो ग्रेजुएट, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो है बात कर रहे थे कि उसकी मशीन की, तो वो दबाती है, तो उससे जो है नए
जो है वो असाब पैदा होते हैं, अल्लाह ताला का निजाम है कि वहां पे जो है वो नई शरियाने और वृद्धें पैदा हो जाती हैं, और उसकी जो है वो जो प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम होता है, वो खुद खुद जो है वो दूर होने की कोशिश करता है। तो सैर और वर्जिश जो है हमारे लिए तो हमारा बेहतरीन जो है वो, ये उसको कहते हैं बंद कर दो हिलोगे तो तुम जो है वो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। तो भी ऐसी कोई बात नहीं। मेजर युग साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे जो है यहाँ पे फौज में है, तो वो जब उनको हार्ट अटैक हुआ उसके बाद ये उन्होंने खुद जो है मेरे साथ जो है वो 3-4 किलोमीटर जो है वो रोजाना की सैर की, कोई मसला नहीं। आप उनको जब उन्होंने जो सुस्ती पैदा की, मेरे जो है वो चाइनी क्लास के क्लास फेलो है तो मेरे साथ ही बिल्कुल रहते हैं हम, मतलब सामने मेरे घर के जो है वो उनका घर है, तो हम इकट्ठे जो है वो मतलब ग्राउंड में जो है वो तकरीबन 3-3 किलोमीटर जो है 40-40 तक चक्कर लगाते रहे। वो उनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई परवाह नहीं इसकी इसकी और बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह फिट है, तो कोई उनको जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो LDH की बात हम करते हैं जी, LDH जो है वो लो डेंसिटी जो है वो सॉरी LDH की बात करते हैं जी, तो जिसमें जो है वो LDH होता है जी अप टू 630 जो है वो UK यानी कि यूनिट पर लीटर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। CPK एक एंजाइम है जिसकी भी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 195 जो है वो यूनिट्स पर लीटर होती है, और इसी तरीके से CK एंजाइम जो है जिसको MB एंजाइम भी कहते हैं, तो उसकी जो है वैल्यू जो है ये अप टू 25 जो है 25 यूनिट जो है वो पर लीटर होती है। तो ये कार्डिक प्रोफाइल हमें करवा लेनी चाहिए जब भी मरीज हमारे पास आए, तो इससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि इसकी कार्डिक कंडीशन जो है वो एंजाइम की कंडीशन जो है वो क्या है। तो आज हम डिस्कस करते हैं जी बचपन से लेके जो है वो फिर आखिर तक बुढ़ापे तक जानेंगे कि हमारे जो दिल की धड़कन कितनी होती है, कैसी होती है, और ये वाले जो है वो बच्चों की बीमारियां पीडियाट्रिक जिसको कहते हैं जी, जिसमें हम जो है वो हमारे बचकान और जो है वो कहते हैं ये हमारा लाजमी सब्जेक्ट होता है, तो इसको जो है वो हम 4th year में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जिसमें जो है वो सबसे पहले जो है इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी कहते हैं जी, जो बच्चों की हैं जी। इसके बारे में जो है वो फीटल न्यूनेटल जो है वो सर्कुलेशन कैसे होती है, तो ये मेरे दोस्त तो सारे जानते हैं और हमारे ग्रेजुएट्स भी जानते हैं कि फीटल सर्कुलेशन बड़ा मशहूर सवाल था हमारे दौर में, अब पता नहीं आता कि नहीं। तो फीटल सर्कुलेशन जो है वो बेसिकली जो है प्लेसेंटा से होती है, दो तरीकों से होती है। तो ये वाली प्लेसेंटा से जो जिसमें जो है वो 3 माह के बाद जो है कार्डिक अपना काम शुरू कर देता है, तो फीटल जो है वो फीटल सर्कुलेशन के अंदर ग्रेसोला के अंदर जाइए हमारा हार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा हार्ट जो है ये फीटल के अंदर जो है यूट्रस के अंदर जो है फीटस प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, प्लेसेंटा से जो सीधा जो है लिवर की तरफ जो है वो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाती है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, और उसके बाद आर्टिकल और पल्मोनरी वेन के लिए जो है लंग में जाती है, और उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरी के लिए वापस आता है, और फिर जो है वो पूरे जिस्म के अंदर जो है ये लिवर के साथ जो है अटैच होकर जो पूरे जिस्म के साथ जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है जो मदर के साथ जो है वो अटैच होकर इसी तरीके से जो है वो हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। फीटल की जो है वो इस तरीके से जो हमेशा जो है वो जारी रहती है। तो ये असल में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है लोअर वेना के वा अपर वेना के वा और इस तरीके से जो है ये सारा कुछ जो है इसके अंदर जो है मौजूद होता है। तो इन्फीरियर वेना के वा भी इसको कहते हैं लोअर को, अपर को जो है वो स्पीरियर वेना के वा कहते हैं, राइट आर्टरी से जो है वो राइट आर्टिकल जो है वो इससे जो है ब्लड आगे जाके जो ये फ्रिक्शन पैदा करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की आर्टिकल के अंदर चले जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये आगे एक्सीड कर जाता है जी असेंडिंग रोटा के अंदर, और फिर असेंडिंग रोटा से जो है वो आप दोबारा जो है ये वहां से जो डिसेंडिंग रोटा के अंदर चले जाता है। रोटा जो है ये पूरे बॉडी को जो है ऊपर वाले ब्रेन को भी सप्लाई करती है ब्लड, और नीचे वाले जो है वो लोअर अपर जो है वो को भी सप्लाई करती है और लोअर को भी सप्लाई करती है। तो इस तरीके से दोनों तरफ जाइए रोटा जाइए जाती है, और उसके बाद दोबारा जो है वापस जो है वो कूल दिन के अंदर जो है वो आ जाता है, और इस तरीके से सर्कुलेशन ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के जरिए जो है वो मदर के हार्ट की वजह से जो है वो जारी रहता है। तो हम जो है वो फीटल की जो है वो सर्कुलेशन ब्लड जो है वो बड़ी आसानी से फील कर सकते हैं।
तो डिफॉर्मेलिटीज क्या होती है ये थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों के लिए डिफॉर्मेलिटी क्या होती है। डिफॉर्मेलिटी कहते हैं जो बच्चों के अंदर जो है जो भी मतलब जो है वो पैदाइशी तौर पर कॉन्जेनिटल पहले बात कर लेते हैं या पहले डिफॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। डिफॉर्मेलिटी किसी बड़े या बच्चे के अंदर कोई भी खराबी जो है वो किसी वजह से भी पैदा हो जाए उसको हम डिफॉर्मेलिटी कहते हैं। खासतौर पर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेलिटीज होती हैं जो हम पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हार्ट के हवाले से डिस्कस करते हैं कि हार्ट के हवाले से डिफॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है, जिसमें जो है वो मतलब कि जो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अगिया अभी हमने बात की, जिसमें जो है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वार्ड जो है वो बंद नहीं होते, जिसमें जो है वो स्पेशली तौर पे हम जो पैदाइश के वक्त जो है वो पार्शियल प्रेशर PO2 की वजह से जो है पार्शियल प्रेशर की वजह से नेचुरली तौर पर जो है वो पैदाइश के वक्त बंद होते हैं, लेकिन बाद बच्चों में ये खराबी होती है कि वो बंद नहीं होते। तो इस तरीके से वो बंद नहीं होते तो इसको जो है वो होता क्या उसमें क्या जो है वो क्लोजर जो क्लोज नहीं होते उसमें जो बंद नहीं होते तो वो असल में डक्टस ये जो डक्टस आर्टी अकर हो जाता है इसकी वजह से जो है ये बंद नहीं होते। तो और भी इसकी बहुत सी वजूहत है जिसमें जो है वो पोस्टल ग्रेडल जो है ई की वजह से भी ये बंद नहीं होते, और तीसरा नंबर जो है ये फाइब्रोसिस की वजह से जो है अनाटोमिकली तौर पर जो है ये बंद नहीं होते। तो इस तरीके से ये जब बंद नहीं होते तो इसमें जो है ये खून जो दोनों खून होते हैं मतलब जो है वो आर्टरी से आने वाला और वेन से आने वाला खून जो है वो आपस में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने वो बच्चा देखा है, बच्चे भी देखे बहुत से जो है वो मेरी 45 साल प्रैक्टिस के अंदर, तो उन बच्चों के जो है होड़ जो है वो काले होते हैं नीले होते हैं, उनका जिस्म के ऊपर नीला होता है क्योंकि उनमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों शामिल होते हैं, तो वो पूरी पार्शियल प्रेशर जो है वो उनका कम्प्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वाइटल वाल्व जो है उनका कम्प्लीट नहीं होता। तो ये डिफॉर्मेलिटी इस किस्म के और भी बहुत से हजारों डिफॉर्मेलिटीज हम आगे चल के डिस्कस करते हैं जो बच्चों के अंदर जो है वो पैदा होती है। तो आज हम जो कॉनिजेंटल जो है वो हार्ट डिजीज के बारे में जानेंगे। कॉनिजेंटल क्या होता है? कॉनिजेंटल जो है जब बच्चा पैदा होने लगता है फीटल से जो है वो हम जो है फीटल से वो जो है वो चाइल्ड की सूरत अख्तियार कर लेता है। फीटस माँ के जो है वो जब जन्म के अंदर होता है तो उस वक्त उसको हम फीटस कहते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके अंदर ये वाला जो प्रॉब्लम होता है। तो मैं हकीम मोहम्मद अनवर साहब से बड़ा दुख की बात करता हूँ कि मैंने जो है उस बच्चे को जो है वो जाते ही देख लिया था। उन्होंने मुझे जो है वो एमरजेंसी जो हमारे चाइल्ड एमरजेंसी में थे वो लेके आए अपने बच्चों को, जामिया तिबिया के प्रोफेसर हैं, तो उनको मैंने जाते ही देख लिया कि इसको जो है यही प्रॉब्लम जो है ये वाला जो अभी बात कर रहे थे, इसका वाल बंद नहीं हुआ तो इसकी वजह से जो है वो उसकी वो होंठ बिल्कुल जो है उसके नीले थे, बच्चे का रंग भी जो है वो नीला था और काला सा था हो चुका था, तो जिसकी वजह से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से ये वाल ना हो बंद होने की वजह से जो है वो डॉर्सल रोटा जो है वो बंद ना हो तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो मतलब आर्टरियोसिस का मसला जो है वो डॉर्सल आर्टरियोसिस का मसला जब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो मैंने उस बच्चे को जब वो मुझे चिल्ड्रन वार्ड में लेके गया तो मैंने उस बच्चे को जाते ही देख लिया कि इसको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो है। तो उसको मैंने जो है वो अनवर साहब को अपने घर लेके गया, तसल्ली वगैरह दी, लेकिन रब की कुदरत है कि उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो उसकी जो है वो ये प्रॉब्लम की वजह से भी डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वो होती है जो बच्चों को पैदाइश के वक्त जो है जो वालदैन से बच्चों में ट्रांसफर होती है, इनहेरिटेंस की वजह से होती है, और पैदाइश के बाद जितनी भी जो है वो डिफॉर्मेलिटीज और डिजीज पैदा होती हैं, और जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है इसका मतलब दिल की वो बीमारियां जो कि वलादत के वक्त या वलादत के बाद पैदा होती है न्यू बोर्न के अंदर, उसको हम जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो बहुत सी जो है वो उनको हम जो है वो थोड़ी सी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। हमें ये पढ़ने की क्यों जरूरत है अभी, हम तो मतलब कि जो हकीम है तो ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज तो वो वाले जो है मेडिकल गर्ल। असल में बात ये है, चले मैं आपको यह बात बताऊँ, मेरे पास बहुत सी जब पेडियाट्रिक्स की किताबें हैं और मेरे पास जो है वो मतलब कि तकरीबन जो है 150-200 किताब है,
मेरे सामने जो है बिल्कुल मेरा इधर 46 नंबर रूम है और सामने जो है वो 28 29 नंबर 27 से लेके 29 नंबर रूम के अंदर जो है ये हमारी जो है वो मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है वो बैठते हैं जी, स्टूडेंट बैठते हैं। मैंने आज तक वहाँ पे एक रजिस्ट्रार है, सुना है कि वो कभी कभी आती है, उससे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उनके रिजवान साहब जो है ये पीएन वहाँ पे जो है, उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि हमारे यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रार वीक है, वो कभी कभी हमारे यहाँ पे ओपीडी में आके बैठती है, लेकिन 90% वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं और रोज गलतियां करते हैं। तो इसलिए जो है ये मेरे सामने, क्योंकि वो है वो बच्चों की ओपीडी। वैसे मैं तारीफ करूंगा मैडम आयशा की कि वो जो है वो अक्सर आके बैठा करती थी और उसकी मेरी कंपटीशन भी रहता था अक्सर जो है ये, और खास तौर पे ये जो गंदम से एलर्जी है ना, उसके बारे में मैंने बहुत से मरीजों का इलाज किया है। तो वो जो है वो मानती नहीं थी कि ये इलाज हो सकता है, तो वो इस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत से मरीजों को, मैं सबूत के तौर पे जो हजारों मरीज पेश कर सकता हूँ जिनके मैंने इलाज किया अल्लाह की तरफ से, मेरा तो कोई इसमें हाथ ही नहीं है। तो बच्चों में ये बहुत ज्यादा जो है ये गंदम एलर्जी जो है होती थी, तो मैंने जो है वो उसका बहुत से मरीजों का अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला से लेके जो ना मैंने मतलब कि 96 से लेके आज तक जो है 96 में मैंने पहला मरीज जो है वो यहाँ पे मदीना आज फैक्ट्री है रजाबाद में, उनका पहला अब्दुल्ला नामी मरीज ठीक किया था। उसके बाद जड़ावाला से मुख्तलिफ शहरों से बहुत से मरीज आए, और आखिरी मरीज मेरा जो है वो धनौला से जो है इब्राहिम नामी मरीज है, वो भी उसको भी जो है गंदम से एलर्जी है, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल अब ठीक है। तो वो हर चीज़ खाता है, बिस्कुट बहुत ज़्यादा खाता है, उसको मैंने मना भी किया है तो वो फिर भी बिस्कुट बहुत ज़्यादा खाता है, और उसको आप रोटी का बदलेगा वो खाता है रोटी, कोई मसला नहीं उसको। तो वो अक्सर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो चलते रहते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर। तो इसलिए हम इसको, मैं बहुत ज़्यादा गहराई से जो है ये प्रोडक्ट्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि उनके से बहुत सी गलतियाँ होती हैं कि वो फौरी जो है वो अगर बच्चों को जो है पखाने आ रहे हैं तो आप वो फौरी रोक देते हैं, ऐसी तेज़ तुल दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से वो जब फौरी रोक देते हैं तो वो बच्चा इतना रोता है, इतना परेशान होता है, तो आप उसके पास जो है वो प्रोफेसर तो आते ही नहीं वहाँ पे, तो आप उसके पास बच्ची के पास जो स्टूडेंट है मतलब कि हॉस्ट जो भी है तो उसके पास इसका इलाज भी नहीं होता, तो वो बेचारी बहुत परेशान होती है। तो वो फिर उसके बाद वो रिजवान कहता है कि आप हकीम साहब के पास ले जाएं, जब उसकी हवा रुक जाती है बच्चे तड़पते हैं बेचारे, तो मैं उसको थोड़ी सी जो कुलदम या इस तरह की हल्की सी जो लुब्रिकेंट जो है वो लगा देता हूँ उसके जो है बैक बोन के ऊपर जो है जिसमें जो है वो क्यों लगाता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ जी, हमारे दोस्तों के लिए है, हमारे ग्रेजुएट्स के लिए है, उनको उनकी उसकी समझ नहीं है। तो डेफिकेशन रिफ्लैक्स असल में जो है वो लंबर बोन से होता है, जो पुडंडल नर्व है वो यहाँ से जाता है जिसकी वजह से हमारा स्फिंक्टर खुलते और बंद होते हैं। तो जब आप बैक बोन के ऊपर इसको लगाते हैं ना, मतलब ये लुब्रिकेंट कोई भी, उस पर कस्ट्राइल लगा दें, ये कुलजम लगा दें या और कोई लुब्रिकेंट लगा दें, उससे होता क्या है बेसिकली तौर पर कि उसकी जो नर्व जो है जो जा रही है उसकी एनएस जो स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रही है वो रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स होने की वजह से उसको जो है थोड़ी सी जो है वो एयर पास हो जाती है जो उसके पेट के अंदर जमा होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है फौरी तौर पर जो है वो अपने आप को बेहतर फील करता है। मेरी मिसेज भी इसी तरीके से बच्चों को जो है डील करती हैं, और मैं भी जो है वो उन्हीं से ये मैंने सीखा है, और मुझे इसकी जो है वजह जो है बाद में मालूम हुई कि किस वजह से ये बच्चे को जो है रिलैक्स मिलता है। नाक को तेल लगाने से भी बच्चों को रिलैक्स मिल जाता है, तो ये सारा जो है ये होता है। तो आज हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में बात कर रहे थे, तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज बहुत सी वजूहात की वजह से होती है, तो इसकी थोड़ी सी हम जो है वो तफसील थोड़ी सी बात करके आगे चलते हैं जी। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की जो है वो बहुत सी वजूद होती है जो गेस्टेशन के बाद जो स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें सबसे पहले जो बात जो है जो मुझे जो है वो बहुत तकलीफ दी जो मैंने पढ़ी है, तो मेटरनल मेडिकेशंस ये जो है वो वालदा की मेडिकेशन, जब आमला जब औरत हो जाती है उसको जो है ये प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद वो मेडिकेशन शुरू कर देती है, तो हमारी बहनें और भाई जो है ये उसको मतलब जो है बजाय गजा बेहतर करने के, हमारे यहाँ पे कॉन्क्रीट जिसको हम अनार भी कहते हैं बेहतरीन चुकंदर है और ये और बहुत से इतने फल है, तो वो जो है वो फोलेट या फोलिक एसिड पैदा करते हैं, नेचुरली तौर पे पैदा करते हैं,
तो हमारे बहन भाई ये देते हैं फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान, तो मेटरनल मेडिकेशन जिसमें फोलिक एसिड शामिल है, तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसान करता है और हार्ट डिजीज पैदा करने के 90% जो है इसके अंदर चांसेस होते हैं। फॉलीफार और जितने भी इनकी जो भी मतलब के मेडिकेशन करते हैं, ये फीफल वेट और इसके बाद जो है ये खुद ही लोग खाते जाते हैं मतलब सैंगोबियन टाइप, तो ये जो है ये इसका जो है नेचुरल हल बहुत ज्यादा है। तो जब इस किस्म की फोलिक एसिड जो है ये दी जाती है, तो उसमें जो है ये हार्ट जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के 90% चांसेस, मैंने ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम जो है वो खुद जो है वो ऐसे अमराज पैदा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ये है। और उसके बाद जो है वो दूसरी जो है वो वजूहत जो है वो एंटाग्लोनाइटिस जो है ये होता है। तो ये इंजेक्शन वगैरह जब देते हैं और इस किस्म की जितनी भी अद्वियात देते हैं हम मटरनल को, तो उसमें ये वाला जो है प्रॉब्लम जो है वो होने के 90% जो है वो चांसेस होते हैं। इसी तरीका से जो है वो हमारे यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो है प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, ईस्ट्रोजन इंजेक्शन बिला वजह लगा दिए जाते हैं, हार्मोन थेरेपी जिसको हम कहते हैं, तो हमल गिरने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास इस काते हमल के लिए जो है वो रोकने के लिए बहुत ज्यादा जो है इस करारे हमल के लिए बहुत से मजून है, बहुत सी ताकत की दवाइयां हैं जो रहम को ताकत देती हैं। तो ये हार्मोन थेरेपी जो है ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज पैदा करती है, तो जिसमें जो उसने जो है वो खास तौर पे जो है वो ईस्ट्रोजिन की बात की है कि ईस्ट्रोजिन जब दी जाती है मस्नूई तौर पे उसको इंजेक्शन की सूरत में, तो वो जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज पैदा करती है और इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह है, जिसको जो है वो उसने जो है वो एंटी कोगुलेंट का नाम दिया है। तो यानी कि जो ईस्ट्रोजिन जो है वो इस किस्म का एंजाइम जो है, जब हम या प्रोजेस्टेरोन, अभी बहुत से टीके प्रोजेस्टेरोन के ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब उसको अभी गिरने का कोई खतरा नहीं, कोई ऐसी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्शन का कोई खतरा नहीं, तो लेडी डॉक्टर खूब जो है उसको कहते हैं ये टीका तो लगवाना पड़ेगा तुम्हें जी, तो उससे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज पैदा होती है, क्योंकि हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे के अंदर। और फिर जब बच्ची जो है वो जब बच्ची खुदा ना खास्ता पैदा हो जाए या दूसरा बच्चा पैदा हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कितने खतरनाक हार्मोन है, इनका बैलेंस होना जो है वो कितना जरूरी है इंसान के अंदर। तो जब ये बैलेंस नहीं होगा तो ये आगे चल के बच्चे के अंदर बेड़ा गर्क कर देंगे उसको, बड़े होने में उसका जो है वो सारा कुछ निजाम सारा खराब हो जाएगा। अब आप बच्चियों को देख ले, उनके जो है चेहरे पे जो है बहुत से बाल आ चुके हैं, मूछें आ चुकी है। आदमी मेरे पास एक बच्ची आई, उसकी उम्र 12 साल सिर्फ, अभी जो मौत के बाद उसके नस थी, तो किसी लिए डॉक्टर से इलाज करवाते रहे उसके कद के बढ़ाने के बारे में, तो पता नहीं उसने उसको कौन सी दवाई दी, अल्लाह रहम करे, तो बच्ची के जो है वो पूरे चेहरे के ऊपर और उसको जो है वो मूछें आ गई 12 साल की उम्र के बच्ची को, और मुझे इंतहाई दुख हुआ देख के। तो मैंने उसके जो है वो टेस्ट ये लिख के दिए कि आप जो है इसके टेस्ट करवाए किसी हार्मोन को। मैंने कहा मैडम आप तो जानती है कि ये जो है ये जितने भी लोग हैं ये हार्मोन थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कद जो है वो कैल्शियम और फास्फेट से बढ़ता ही है, हार्मोन थेरेपी से कैसे ग्रोथ हार्मोन को वो दे रही है, या कोई किस्म की जो है वो जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट किस्म थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं बिना तरद, कोई पूछने वाला नहीं इन लोगों को, कि उनको पता ही नहीं कि हार्मोन थेरेपी कैसे जो है वो काम करती है और उससे कितना नुकसान आता है। तो वो बिना तरद उसको जो है वो 12 साल की बच्ची को हार्मोन थेरेपी दे रही है और उसको जो है वो मतलब टेस्टोस्टेरोन दे के उसका बेड़ा गरक कर दिया है, जितना ज्यादा उसको हार्मोन खिलाया कि उसके चेहरे पे बाल आ गए, सारी जिंदगी के लिए वो बच्ची जो है उसके अंदर जो है वो बेड़ा गरक कर दिया उसका। तो खुदा का खौफ करे, तो इस तरह से जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जो है वो पैदा होने के 90% चांसेस ये हमारे जो है मेडिकेशन कर रही है, और बिना तरद हर बंदे को हार्मोन थेरेपी, हर बंदे को हार्मोन थेरेपी। हार्मोन तो बहुत बड़ी शय है यार, ऐसे क्यों देते हैं आप लोग बगैर किसी जो है वो फार्मासिस्ट के मशवरे से, बगैर किसी कहने के, और जो है वो आप उसको जो है वो अगर बच्ची का कद नहीं बढ़ रहा तो उसके और भी बहुत सी थेरेपीज है, कोई
कोई जरूरी नहीं कि आप हार्मोन थेरेपी इसको दें। तो मैंने इसको जो सादा जो है कैल्शियम फास्फेट की गोलियां दी, तो अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह उसका कद बढ़ेगा भी। मैंने कहा अभी तो उसकी उम्र बहुत बहुत थोड़ी है, तो आप अभी से क्यों परेशान है। तो उसकी 4 फुट 9 इंच कद है, माशाल्लाह मुनासिब है, और 5 फुट तक उसका होना चाहिए कद 12 साल की उम्र में। बच्चे का कद तो वैसे 5 फुट 4 इंच तक बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाला जो है इस तरीके से हार्मोन थेरेपी जब देते हैं तो इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद मेटरनल इन्फेक्शन जो है जिसमें रुबेला वायरस और ये सारी जितने भी जो होते हैं, ये वाला जो है ये भी जो है काज करता है जी, जिसमें इन्फेक्शन हो जाती है और ये बीमारियों का जो है वो जितने वायरसेस बीमारियां हैं जो जिसमें जो है वो साइटोग्लोमो वायरस है और इस किस्म के और भी बहुत से वायरस है, वो भी इस किस्म के जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज पैदा करते हैं। इसके बाद जो है हमारे जो आखिर में बात है कि इसमें जो है वो मेटरनल डायबिटीज जो है मेलेटस जो है वो जब औरतों को डायबिटीज मेलेटस होती है तो उसकी वजह से जो बहुत सी औरतें जो है इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं, तो उसमें जो है वो खास तौर पे जो है बच्चों के अंदर ये वाला जो है प्रॉब्लम जो है वो पैदा करती है, जिसमें जो है वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं जी। तो इस वजह से जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के साथ बहुत से सिंड्रोम भी होते हैं। सिंड्रोम बेसिकली बहुत सी बीमारियों का जो है वो मजमुआ होते हैं। ये इनकी वजह से जो भी हमने बात की, जो इनके हमारे जो है मेडिकल ग्रेजुएट भाई जो है उनको इस्तेमाल करवाते हैं, उस वजह से ये बड़ा जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है जी, डाउन सिंड्रोम हो जाता है जी, ट्यूलर सिंड्रोम हो जाता है, मार्फिन सिंड्रोम हो जाता है, और इसके बाद जो है वो आगे जो है वो बहुत से सिंड्रोम हो जाते हैं। ये जितनी भी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है ये 1000 में से 8 लोगों को होती है, 8 बच्चों को होती है। आप खुद अंदाजा कर लें कि 1000 में से 8 बच्चों को ये वाला जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बाई बर्थ हो जाता है, तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितना ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। और उसके बाद जो है 30% जो है वो इन्फेंट जो है हार्ट लीजन का शिकार होते हैं और आल्सो एक्स्ट्रा कार्डिक मालफॉर्मेशन का शिकार होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट की जो है उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो हम थोड़े से जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस करके कल इंशाल्लाह मजीद इनको जब तफसील से जानेंगे जी। इसमें टेट्रालॉजी ऑफ द फोलेट, जिसको TOF भी कहते हैं जी, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आरटीएस, जिसको TGA कहते हैं जी, ट्राइकस्ट जो है वो जिसको पल्मोनरी आर्टेरिया भी कहते हैं जी, और उसके बाद ट्रंकस आर्टियोसिस जो है वो इसके अंदर भी इन्फेक्शन या इसके अंदर जो है खराबी होना जो है वो कहलाता है, और उसके बाद जो है वो एब्सटीन एमुलर भी जो है होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और टोटल एमुलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज भी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हम थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं, एसिडोकोरल हार्ट डिजीज भी इसके अंदर होती है। तो एसिनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एसिनोटिक हार्ट डिजीज में जो है वो VSD जो है, जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, को जो है वो तो बीमारी को जो डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, लेकिन आज उनकी कमी बहुत ज्यादा, वहाँ जहाँ हम क्लास लेने जाते हैं डॉक्टर साहब को बताया तो वहाँ इनकी बहुत ज्यादा कमी महसूस की गई। मैंने खास तौर पे अच्छा लेक्चर तैयार किया हुआ था स्कैपुला से लेके जो है ये अपर जो है वो पार्ट के बारे में, सारा जो है ये चेस्ट तक थोरैक्स तक और ये सारा मैंने जो है वो हैंड तक उसको जो पढ़ाया, तो डॉक्टर साहब की मुझे बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई मेरे लेक्चर के अंदर। अगर डॉक्टर साहब मौजूद होते तो मुझे बहुत खुशी होती। मुझे पता है कि शायद सरगोधा गए हुए इसलिए शायद आज नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो डॉक्टर साहब को तो मुझसे ज्यादा पता है एनाटॉमी के बारे में, लेकिन आज का लेक्चर जो है बहुत मजेदार हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। तो बहुत मैं मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का और अपने दोस्तों और भाइयों का। मैंने आज आपकी कमी सर महसूस की है, थैंक यू सर।